नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पे। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है तुला राशि के लिए बहुत खास है। तुला राशि का अगस्त 2024 का मंथली प्रोडक्शन, अगस्त 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, कैसा साबित होगा, संपूर्ण जानकारी सभी विषयों के बारे में सब कुछ बताऊँगा। आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा कैसा रहेगा, प्रेम प्यार कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा, कारोबार बिजनेस कैसा रहेगा अगस्त के महीने में, भाग्य कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैरियर कैसी रहेगी, नौकरी कैसी रहेगी अगस्त 2024 में, और नौ ग्रह आपको क्या फल देंगे, सूर्य बुध शनि शुक्र राहु केतु बृहस्पति क्या फल देंगे आपको अगस्त के महीने में, और अंत में वीडियो के अंत में अचूक उपाय भी बताऊंगा। ये उपाय अगर आप करते हैं तो विशेष लाभ होता हुआ नजर आएगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं तुला राशि अगस्त 2024 कैसा रहेगा। दोस्तों, ये कार्यक्रम आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी राशि का नाम नहीं पता है तो आप जिन जातकों का आर अक्षर से नाम है वो तुला राशि के अंतर्गत आते हैं, तो ये वीडियो यानी कि आर अक्षर के जातकों के लिए भी है, यानी कि आर अक्षर तुला राशि में ही आती है, इसलिए ये आर और तुला राशि दोनों के लिए खास है। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब अगस्त 2024 का महीना शुरू होगा तो जो नौ ग्रह की स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से होगी। तुला राशि को आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव सिंह राशि में रहेंगे, आपके इनकम लाभ भाव पे एकादश भाव पे, और 25 अगस्त को ये आपके बारहवें भाव पे चले जाएंगे। कन्या राशि पर शनि कुंभ राशि पे रहेंगे, राहु मीन केतु कन्या, सूर्य कर्क राशि यानी आपके दसवें भाव पे रहेंगे, और 17 अगस्त को ये आपके इनकम लाभ भाव पे आ जाएंगे। तो आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव के साथ युति भी बनेगी, मंगल वृषभ राशि में रहेंगे अष्टम भाव पे, और यहाँ पर बुध ग्रह भी सिंह राशि पे रहेंगे, हालांकि ये वक्री हो जाएंगे। अब आपको बड़े ध्यान से सुनना और समझना है। सबसे पहले जान लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो तुला राशि का स्वास्थ्य आपका 26 अगस्त तक बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई यानी आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा ज़्यादा, लेकिन आपको 27 अगस्त के बाद आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। हॉस्पिटलाइज खर्च बढ़ सकते हैं, मानसिक चिंता या फिर काम काज में ज़्यादा प्रेशर हो सकता है, बोझ हो सकता है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी जो शुक्रदेव हैं वो बारहवें भाव पर चले जाएंगे। बारहवां भाव होता है हानि व्यय खर्चों का होता है, थोड़ा सा शारीरिक नुकसान होगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। हालांकि इस समय आप यात्रा करेंगे, विदेश की यात्रा करेंगे, तो यात्रा करते समय भी आपको शारीरिक परेशानी हो सकती है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाई आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है आपको, इसलिए ये भी ध्यान रखना होगा। एलर्जी है, नेत्रों का रोग है, थोड़ी सी आपको अगस्त के लास्ट 3-4 दिन थोड़ा सा संभल के रहना होगा। अब यहाँ पर देखिए तुला राशि को आप इसमें खान पीन की चीज़ों में भी ध्यान रखिएगा, कोई बड़ी बीमारी हालांकि नहीं रहेगी लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर हम आपके बात करें पढ़ाई लिखाई की, तो पंचम भाव पढ़ाई लिखाई का होता है। तो देखिए पंचम भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं, अब शनिदेव स्वयं पंचम भाव पे बैठे हैं और लाभ भाव को देख रहे हैं, यानी कि पंचमेश इनकम लाभ भाव को देखेगा, तो आपको पढ़ाई से लाभ होगा। पढ़ाई से संबंधित कोई भी आप निर्णय लेते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू कहीं देने जा रहे हैं, बड़े संस्था में दाखिला लेना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, सब कुछ आपके लिए आपके पक्ष में नजर आएगा। तुला राशि को यानी जो आर अक्षर के जातक है उनके लिए अच्छा रहेगा, कोई खास यानी कि दिक्कत नहीं रहेगी, बस आपको मेहनत और परिश्रम करना होगा, फोकस करना होगा, यानी जितना आप मेहनत करेंगे, जितना फोकस करेंगे उतना आपके लिए लाभदायक रहेगा ये महीना। बस आपको अपनी यानी कि पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस करना होगा, घूमने फिरने से बचना होगा, दोस्तों के साथ एंजॉय करने से बचना होगा, कोई इंटरव्यू अगर रुका था या फिर कोई रिजल्ट रुका था वो आपके पक्ष में आ सकता है। अब बात करें लव रिलेशन की, तो देखिए पंचम भाव लव रिलेशनशिप का भी होता है, शनिदेव यहाँ पर फिर पंचमेश हैं, लाभ भाव को देख रहे हैं, तो पार्टनर से जो उम्मीद आपने रखी थी लव पार्टनर से, वो उम्मीदें पूरी होती नजर आएंगे, कहीं घूमते फिरते नजर आएंगे, मौज मस्ती करते नजर आएंगे, इंजॉय करते नजर आएंगे। और इसमें हालांकि कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपको मानना पड़ेगा और या फिर मनवा सकते हैं, या फिर जैसे कि आपके जो पार्टनर है किसी चीज़ के लिए ऑफर कर सकते हैं और आपके पास पैसे ना हो, जिसके कारण थोड़े से मन में आप दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरियाँ बढ़ सकती है। तो हालांकि आप बातचीत के बहुत साफ सुथरे हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर
ध्यान रखना होगा। हालांकि कुछ बातों पर डाउट भी हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, मनमुटाव की स्थिति ना हो, ये भी ध्यान रखना होगा। हालांकि ऐसी सिचुएशन नहीं बनेगी। और अगर हम बात करें आपके मैरिज लाइफ की, वैवाहिक जीवन की, तो देखिए सप्तम भाव होता है मैरिज लाइफ का, तो सप्तमेश मंगलदेव बनते हैं। मंगलदेव आपके यहाँ पर कहाँ बैठे हैं, अष्टम भाव पे रहेंगे और ये 27 को आपके भाग्य भाव पे चले जाएंगे। तो थोड़ा सा मैरिज लाइफ में थोड़ी सी डिफिकल्टी यानी थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिलेगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, थोड़े से अपने जीवन साथी से कुछ मनमुटाव या फिर दूरियां हो सकती है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा। हालांकि इसमें आप यात्रा करेंगे, लंबी दूरी की यात्रा भी होगी, आप चलते फिरते रहेंगे यानी एक जगह बैठने वाले नहीं रहेंगे, चाहे जीवन साथी के साथ कहीं पर दूर दराज यात्रा पर जा सकते हैं, धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। और जीवन साथी को लेकर खर्चे भी हो सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसमें आपको अपने घर परिवार में बड़ी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ेगी। पार्टनर में कोई व्यापार वगैरह करते हैं कोई भी काम, तो यहाँ पर पारदर्शिता रखना होगा। हालांकि 27 अगस्त के बाद अपने जीवन साथी के साथ कोई धार्मिक कार्यक्रम कर सकते हैं, घर में कहीं धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो मनमुटाव था, जो आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर तनाव था, वो सारी चीज़ें दूर होती नजर आएगी 27 अगस्त के बाद। तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा ध्यान रखना होगा। बात करें मुख्य विषय भाग्य, करियर और व्यापार की, तो देखिए तुला राशि को भाग्य आपका प्रबल रहेगा, क्योंकि भाग्य स्वयं बुध ग्रह हैं और यहाँ पर हालांकि वक्री हो गए हैं आपके चतुर्थ भाव पर, लेकिन फिर भी आपको लाभ जरूर मिलेगा, भाग्य प्रबल रहेगा, व्यापार में तेजी आएगी, व्यापार आपका अच्छे से चलेगा और कारोबार में उन्नति होगी, नौकरी में नई जॉब की संभावना है, सरकारी गवर्नमेंट क्षेत्र से जुड़े जातकों को सपोर्ट प्राप्त होगा और सीनियर लोगों का भी सपोर्ट प्राप्त होगा, कई अच्छे परिणाम मिलेंगे, जो कुछ भी समस्या थी, जो कुछ भी परेशानियाँ थी, वो सारी चीज़ें दूर होगी, अच्छे लाभ बनेंगे, कई महत्वपूर्ण यानी कि योजना का लाभ मिलेगा, जो कुछ नहीं बन पा रहा था वो बनेगा, किसी नज़दीकी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा, कोई अच्छा सा परिणाम देखने को मिलेगा। लगातार आप जो कार्य कर रहे थे व्यापार और नौकरी में और सफलता नहीं मिल पा रही थी, वो सफलताएं मिलेंगी। तो ओवरऑल कहा जाए तो ये जो अगस्त का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, लेकिन कुछ मामलों में सावधानी भी बरतनी है। उपाय की बात करें तो आपको शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर आप थोड़ा सा कच्चा चावल या फिर मिश्री चढ़ा दें और ओम शुभ शुक्रायन में इस मंत्र का जाप एक माला जरूर करें, गरीब निर्धन को सफ़ेद चीज़ों का दान करें आप, तो ये अच्छा रहेगा। तो ये था तुला राशि के जातकों के लिए अगस्त 2024 का राशिफल। दोस्तों वीडियो को आप लाइक करिएगा, दोस्तों तक इसे पहुंचा दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय शनिदेव।